इसको हम हाथ पे जनरली ऐसे मल लेते हैं बस, और हम सोचते हैं कि भाई इन्फेक्शन फट गया है इसमें, लेकिन नहीं है। नाखूनों में, उंगलियों के बीच में, कलाई पे भी हमने कुछ पहन रखा होता है, जैसे कि मैंने पहन रखा है, तो ये अच्छे से साफ होना चाहिए। पीपीई किट पहनने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी हमने जो पहन रखा है, अंगूठी है या फिर जैसे ब्रेसलेट है या कोई भी धागा वगैरह, वो हम उतारेंगे, या और कोई भी चीज़ है वो हम हटाएंगे। उसके बाद हैंड वॉश करेंगे पहनने से पहले। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर हम याद रखना चाहें तो, सुमन के नाम से है। सीधा पहले तो हम हाथ में हमने जो भी सैनिटाइजर या साबुन लिया है, सभी कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ साथ में, पहले हाथ को बिल्कुल सीधा करें, सभी करिए ऐसे 5 से 6 बार करना है। सीधा हो गया, यू से उल्टा हाथ के पीछे, दोनों हाथों के बीच में ऐसे जाना चाहिए, उंगलियां जानी चाहिए, उल्टा एम से मुट्ठी, इस तरीके से दोनों हाथों की हो गई है। इसमें नाखून भी आ जाता है, आप देख रहे हो नाखून भी कवर हो रहे हैं। फिर ए से अंगूठा, ये रह जाता है, और एन से नाखून या नेल्स, ऐसे। तो ये साबुन अभी हमारे हाथ में और हमारे हर पार्ट को साफ कर रहे हैं। सुमन हो गया, उसके बाद के बचता है, के से कलाई। तो हमने अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको साफ करना है। तो अगर हम साबुन पानी से कर रहे हैं तो 40 सेकंड तक हमें साफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हाथ भी धो रहे हैं, टाइम भी उसमें लगा रहे हैं, और उसको इन्फेक्ट भी नहीं कर रहे, डिसइंफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर नुकसान हमारा ही है। किसी भी तरीके से वो वायरस हमारे हाथ पे नहीं आना चाहिए, अगर है तो उसको स्रेड ऑफ हो जाना चाहिए। हमने अच्छे से हाथ को साफ कर लिया है। ये जो पूरी प्रोसीजर है पीपी किट पहनने की और उतारने की, इसमें कई बार हाथ धोना पड़ सकता है हमें। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार हाथ धोया और पहन लिया पूरी किट को एक साथ में, जो मैं बताऊंगा अभी। शुरुआत करते हैं हम, ट्राई कर लेता हूँ, जवान को बुला दीजिए। नहीं नहीं, वो ट्राई कर नहीं पाएंगे, चलो मैं कर लेता हूँ, कोशिश कर लूँगा। और एक्स्ट्रा है तो उनको, कोई दिक्कत नहीं सर हमारे पास, बताते जाओ। शू कवर, जूतों को कवर करने के लिए शू कवर है, क्योंकि हम जब पकड़ेंगे उसको, मरीज है, कॉन्टैक्ट है, तो सबसे पहले तो जैसे सर पूछ रहे थे कि हम कैसे पकड़ें, कि सामने से कोई आ रहा है तो हम उसको सीधा आगे से नहीं पकड़ेंगे, कोशिश कर, वो हमें मुंह पे उसकी सलाइवा है, उसका जो कुछ भी पास सिक्रीशन है वो हमारे ऊपर गिरेगा। कोशिश हमें ये करनी है, उसको पीछे से पकड़ना है, जैसे पकड़ते हैं तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं किसी को पीछे से, और एक है जो दूसरा साथ में है वो उसके पैर पकड़ सकता है, तो आराम से कंट्रोल में आ सकते हैं। सामने से हमें कोशिश करनी है कि उसके नहीं जाना है, क्योंकि जब भी हम उसको पकड़ेंगे वो छुटाने की कोशिश करेगा, तो हमारे ऊपर उसका सिक्रीशन आ सकता है, वो बहुत डेंजरस है। तो शुरुआत करते हैं शू कवर से। अब जाहिर सी बात है, हमने जूतों को छुआ है ना, तो आगे वाला कोई भी पार्ट छूने से पहले अब हमें फिर से हैंड सैनिटाइज करना होगा, फिर हम दोबारा से हाथ धोएंगे इसी तरीके से। बिल्कुल इतने स्टेप्स को हम अगर बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें वो याद हो जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कोई पार्ट रह तो नहीं गया, फिर हमें फीलिंग भी आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कोई पार्ट नहीं रह गया। तो जब भी आप हाथ धोते हुए इन स्टेप्स को जरूर अपनाएं, इसको सिंपल ना समझे कि भाई इससे कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही हाथ धो लेंगे, लेकिन हर पार्ट हाथ का क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, हम जो गाउन है उसको हम पहनेंगे, ये एक तरीके का कोट लग रहा है, तो ये गलती ना करें कि इसे जैसे जनरल कोट पहनते हैं वैसे पहने, इसको आगे से पहनना होगा, मतलब आगे से पूरा कवर होगा।
पीछे से उसको हम बांध सकते हैं। कई तरीके के होते हैं, कुछ में पीछे चैन होती है, इसमें बांधने का है तो हम उसको बांध सकते हैं। महिलाएं हैं तो बाल को अच्छे से बांधे, क्योंकि वो खुले अगर रहेंगे, अगर सांस में रहते हैं तो उनमें इन्फेक्शन जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बाल अच्छे से बंधे हों और अंदर की साइड में हो, इसके इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको जो असिस्ट करने वाला हो पीछे से, एक दो अगर खुला है तो बांध सकते हैं। तो ये अब हमने गाउन पहन लिया है। इसके बाद इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ धोएं, क्योंकि हमारे हाथ साफ भी, हमने जूतों को नहीं लगाया है, गाउन ही पहना है। इसके बाद हेड कैप आती है, बाल सभी अंदर कर ले अगर रहते हैं तो। इसको हम बांध भी सकते हैं कुछ एक में, इसमें टेप भी आती है चिपकाने के लिए। इसके बाद बारी आती है मास्क की, यह मास्क कैसे पहने। दो तरीके के मास्क हैं, एक जनरल सर्जिकल मास्क जो लगभग उन्होंने लगा रखे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रिपल लेयर जो मास्क होते हैं पतले से, और एक होता है N95 रेस्पिरेटर जो मास्क होता है। तो दोनों का थोड़ा तरीका अलग है। ये वाला है, पहले हम इसको देखते हैं किस तरीके से पहनेंगे। इसके ऊपर एक ये मेटेलिक वो रहता है, क्लिप रहती है इसकी, ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये वाला जो स्ट्रेसन है ये नीचे की साइड में होने चाहिए। इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पे लगाएंगे और इस क्लिप को टाइट कर देंगे ताकि ये हमारी नोज पे फिट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको बांध देंगे। तो ये मास्क हमने पहन लिया है। आप इसका जो रूटीन है, जो पैटर्न है, उसको ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि पहले मास्क पहन लिया, फिर गाउन पहन लिया, फिर कैप पहन ली। रूटीन यही रहेगा इसका, जिस तरीके से हम ऑर्डर जो है इसका वो यही रहेगा। इसके बाद जो नंबर आता है वो चश्मों का आता है, गॉगल्स। इसमें जो गॉगल्स हैं वो जनरल हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन कई बार पूरे कवर भी आते हैं तो वो हम पहन लेंगे उसको। तो मैंने तो ऑलरेडी लगा रखे हैं तो ये मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, मैं इसको हटा के ये यूज़ कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हो ये मैंने गॉगल्स पहन लिए। ये तो था सर्जिकल मास्क जनरल, मैं इसी पे पहन के बता देता हूँ आपको। ये है N95 मास्क। जैसे सर ने बताया कि अभी फिलहाल सभी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम कॉन्टैक्ट के पास जा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है जो बाद में टेस्ट में आएगा, तो उसका कोई भी इन्फेक्शन हमारे पास नहीं जाना चाहिए। तो ये मास्क हमें अच्छी प्रोटेक्शन देता है। तो उसको पहनने का तरीका थोड़ा है, ये जो नोज क्लिप है इसको खोले और इसको यहाँ से पकड़े। तो पहले हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, नीचे वाले को पहले ले जाएंगे, इसमें क्लिप होती है, फिर इससे ऊपर वाले को। ये हमने मास्क पहन लिया और यहाँ पे जो इसकी क्लिप है इसको फिर से टाइट करेंगे और हम टेस्ट करेंगे कि ये ठीक से लगा है या नहीं। तो यहाँ पे हम हाथ रखेंगे और फूंक मारने की कोशिश करेंगे, हवा उसमें ब्लो करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि साइड से कोई हवा निकल तो नहीं रही है। इसमें जो हवा है वो ये जो रेस्पिरेटर है जो, इसी में से ही निकलती है। तो आइडियली इसी में से ही निकलनी चाहिए, साइड से अगर निकल रही है तो अगर हमने अच्छे से इसको सेट नहीं किया है। तो लास्ट में जो बारी आती है,
अब लास्ट में जो बचता है वो है ग्लव्स। ग्लव्स को पहनने की टेक्निक और उतारने की दोनों ही थोड़ी यूनिक है, वो हमें पता होनी चाहिए। इसमें साइज होता है, मेल्स में जनरल 7 या 7.5 का होता है, फीमेल्स में 6.5 टू 7 होता है। तो वो हम चेक कर लें, किसी के भारी हाथ होते हैं ना, 7.5 का उसमें ग्लव्स यूज होगा। ग्लव्स पहनने से पहले एक बात मैं और बताऊं आपको, हमने शू कवर पहना, हमने हाथ धोए, फिर हमने गाउन, हेड कैप, मास्क पहना, हमने हाथ धो लिए, हाथ नहीं धोए अभी तक। लेकिन ग्लव्स पहनने से पहले हम फिर से हाथ धोएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से ही हम पेशेंट को पकड़ते हैं। अगर डॉक्टर है तो प्रोसीजर करता है पूरा, तो हमने दो बार हाथ धोने हैं, शू कवर पहनने के बाद और सारे पहनने और जो ग्लव्स बच जाते हैं उसको पहनने के पहले। और जैसे ही हम ग्लव्स पहनेंगे ये पूरा कवर होना चाहिए, यहाँ कलाई की बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए, तो ये गाउन के ऊपर ही पूरा ग्लव्स आए अच्छे से। अब हमें कोशिश ये करनी है, हमने पूरा किट पहन लिया है तो हमारे हाथ जब भी पेशेंट को या उसको टच करेंगे उसके बाद ये बार बार मुंह पे ना जाए एडजस्ट करने के लिए, आप समझ रहे हैं, नहीं तो वो इन्फेक्शन हाथ से फिर वो मास्क पे जाएगा, फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। ये पार्ट हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट है, नोज, नाक और मुंह, ये ओपनिंग है हमारी, यहीं से ही वो वायरस अंदर जाता है, तो कैसे भी करके हमें इस पार्ट को वायरस से बचाना है। तो ये हमने पूरा किट पहन लिया है, इसको अंग्रेजी में डोनिंग बोलते हैं, हमने जो भी करना था ठीक है कर लिया, पेशेंट को हमने एम्बुलेंस में बिठा दिया है और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। अब बात आती है इसको उतारने की, पहले पैसे पकड़ना कैसे उसको, ये बताओ सर, वो पीछे से काबू करके इसी को पकड़ लो, आजा भैया बोल रहे हो ना ऐसे, आप तो जैसे ये है पकड़ने की विधि, जैसे ये है, आप थोड़ा सा आगे से आना, तो ये अगर आ रहे हैं साथ में टीम खड़ी है, तो नॉर्मली तो ये होता है कि हम उसको मास्क लगाने की कोशिश करते हैं कि आराम से वो मान जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मानता है, भागने की कोशिश करता है बापू सरगुन जी, तो हम उसको पीछे से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे वो जो भी करेगा आगे है उसका, पीछे इन्फेक्शन कम है, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे और दूसरा जो बंदा है उसके पैर पकड़ के उसको उठा लेगा, उठा सकता है। तो आपको ज़्यादातर जो भी करना है वो पीछे से करना है उसको पकड़ने की, आप समझ रहे हैं, बार बार टच ना करें इसको फेस पे, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब बात आती है उतारने की, शुरुआत की थी हमने शू कैप से, शू कवर से, लेकिन सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इन्फेक्टेड पार्ट है ग्लव्स, इसको हम उतारेंगे। आपके भी है डॉक्टर, अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाथ ही यूज़ होते हैं, तो इसको उतारने का एक तरीका है, अंदर का जो भी पार्ट है वो साफ है, बाहर का जो भी पार्ट है वो गंदा है, हमारा पीछे का जो पार्ट है वो आगे की अपेक्षा साफ है, तो उतारना कैसे है, ये बाहर का पार्ट ही हम बाहर के पार्ट से पकड़ेंगे और हम अंदर के पार्ट को टच नहीं करेंगे, दूसरे हाथ को तो टच करना ही नहीं है, ये हाथ हमारा साफ है, इसको हमने यहीं पे ही मुट्ठी में बंद कर लिया है।
ऐसे टाइट पकड़ लेंगे। अब बात आती है सीधे हाथ से, हाथ तो हमें इस्तेमाल करना ही होगा, तो हम इसको यहाँ से ना पकड़ें, उंगली ले और इसके अंदर वाले पार्ट में घुसाएं। ये अंदर वाला पार्ट है जो कि साफ है, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। हम वो डस्टबिन लाएंगे, वैसे भी डिसइंफेक्टेड है। डस्टबिन में येलो बैग होता है, वो साथ में रहे, वो वहाँ पे रहता है, एम्बुलेंस में है, जैसे अस्पताल में हम गए तो सारी चीजें हमें एक ही उसमें डालनी है, डस्टबिन में सारी चीजें हमें डस्टबिन में डालनी है। पीपीई किट में जो भी पहना है हमें, वो जो डिसइंफेक्शन का जो पार्ट होता है वो पूरा जलाया जाता है। येलो बैग में हम डाल रहे हैं हर चीज को, तो सारा एक ही में डालना है, ऐसा नहीं ग्लव्स दूसरे में डाल दिया, गोगल्स दूसरे में डाल दिया है, सारा एक ही उसमें डाला जाएगा। बच्चों के लिए अब बात आती है मास्क हमें नहीं उतारना है, इस चीज का ध्यान रखें, मास्क सबसे आखिरी में उतरेगा क्योंकि अभी भी हम उसी एनवायरनमेंट में हैं, तो मास्क हमें बचाए रख रहा है। तो अब हम चश्मा जो गोगल्स है वो हम उतार देंगे, इसलिए हमने उतार दिया है। फिर इसके बाद जो हमारी हेड कैप है वो हम उतारेंगे, जनरली जो पीपी होती है उसमें तीनों पार्ट अटैच रहते हैं तो उतरते हैं, तो ये हम उतारेंगे इसको। कोशिश इसमें ये करनी है कि पीछे से हम उतारें और ये आगे लेके आए और इसको ऐसे ही हम डिस्कार्ड कर दें। आगे से हम कितना कम पार्ट कितना टच करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब बात आती है गाउन की, तो पीछे से जो हमने बांध रखा है इसको हम खोलेंगे और यहां से हम इसको अंदर से, आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये पार्ट मोस्ट एक्सपोज्ड है तो ये उंगली अंदर जाएगी, इसको हम इस तरीके से और पीछे से ही पकड़ते हुए इस तरीके से उसको फोल्ड करना है। अंदर की साइड से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि ये पार्ट साफ है अंदर का। ये हमने फोल्ड किया और इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर आती है बारी शू कवर की, जो हम उतारेंगे पीछे की साइड से वो भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस दौरान हाथ कब धोने हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जब भी आपको लगे कि आपके साफ हाथ इसके आगे वाले पार्ट पे लगे हैं या फिर लगता है कि भाई इन्फेक्शन रह गया, अच्छे से हमने नहीं उतारी, उसी वक्त ही हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो अपने हाथ को और मास्क उतारने से पहले तो अवश्य करें क्योंकि वो पार्ट हमारे हाथ मुँह पर जाने वाला है। अभी हाथ हमारे साफ थे, फिर से हमने सैनिटाइज कर लिया है उसको, सारे वही स्टेप्स हैं जो हमें अपनाने हैं, अंगूठा नाखून सब कुछ कलाई। अब जो मास्क है वो हमें पीछे से खोलना है। पीछे से पकड़ के ऐसे ही हमें इसे डिस्कार्ड कर देना है। N95 मास्क की जो पहनने की वो तकनीक थी वो कुछ अलग थी, वो हम अलग से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें लगाना है, पहले जो नीचे वाली क्लिप है उसको पहले ले जाना है, फिर ये दूसरे वाले को ऊपर रखना है। ये हमने पहन लिया है, क्लोज कर लिया, टेस्ट कर लिया, सब ठीक है। उतारने की बारी आएगी अगर हम पहले पीछे से उतारेंगे, ऊपर वाले ना उतारे नहीं तो ये मास्क लटक जाता है, तो आगे हाथ में नॉर्मल इस तरीके से हम करेंगे और ये दूसरे वाला भी, और इस तरीके से हम डिस्कार्ड कर देंगे। और फिर लास्ट में फिर से हाथ धो, ये आप जितनी बार करोगे उतना बेहतर है आपके लिए भी और आपके साथ में कॉन्टेक्ट में आने वाले सभी के लिए। तो यही था पीपीई को पहनने का और उतारने का, क्योंकि जनरल जो गाउन है वो हमने पहन लिए उसी तरीके से उतार लिए, वो नहीं है, इसमें इन्फेक्शन है, तो उतारने की टेक्निक थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज़ उतारोगे पीछे से ही टच करके उतारोगे और जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से पहनना है और उसी ऑर्डर में उतारना है उसको।